अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ मोहतरम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अफसर ताजी अपने चैनल पे आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं सरकार हारून ख्वाजा गनी इनके चिल्ला शरीफ पे जा रहा हूँ। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज इनके पीरो मुर्शिद है और माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारत है वहाँ, तो आप तमाम लोग वहाँ लेके चलूँगा। ये ट्रेवल्स खड़ी हुई है और तमाम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ हजरत की मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ मोहतरम दोस्तों, अभी मैं प्रतापगढ़ में आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत पुरानी मस्जिद है ख्वाजा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और बाजू में एक मज़ार पाक है, उसकी भी ज़ियारत आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये दरबार शरीफ बहुत पुराना दरबार नज़र आ रहा है। माशाल्लाह, और ये बाजू में जो नज़र आ रही है मस्जिद है। माशाल्लाह, ये मस्जिद ख्वाजा उस्मानिया जामा मस्जिद प्रतापगढ़। अल्लाहु बाकी मिन कुल्ले फ़ानी,
माशाल्लाह देखिए, ये प्रतापगढ़ की मस्जिद का नज़ारा। बहुत दिन से तमन्ना थी यहाँ आने की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजू में एक दरगाह शरीफ है, वहाँ की ज़्यारत करवाते हैं आप लोगों को। देखिए ये दरबार शरीफ का आता है, अभी हम अंदर जाएंगे। ये परचम है, यहाँ पे परचम कुशाई होती है। माशाल्लाह, देखिए दरबार शरीफ, आपका बैरूनी मंजर। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप तमाम लोगों की हाजिरी और सलाम हजरत की बारगाह पे पेश करूँगा। हजरत बाबा अमीर शाह उर्फ खटखट खटखट शाह बाबा प्रतापगढ़, ये आपकी बारगाह शरीफ है। माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा, अल्लाह के वलियों की बारगाह पे अल्लाह का फैज़ो करम हर वक्त जारी और तारी रहता है। माशाल्लाह, तो दोस्तों ये सरकार खटखट शाह वली की बारगाह है। प्रतापगढ़ जाने से पहले जायरीन यहाँ पे तशरीफ लाते हैं और यहाँ पे हाजिरी देने के बाद फूल चादर तबरुक यहाँ पेश करने के बाद हजरत की बारगाह पे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप तमाम लोगों की हाजिरी और सलाम इनकी बारगाह में पेश करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत नूरानी दरबार है। देखिए बहुत पुराना इतिहास है ये, आप यहाँ की दीवारों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना इतिहास है। जिस वक्त आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, उस वक्त यहाँ बियाबान जंगल हुआ करता था और बड़े बड़े शेर चीते भालू जंगली जानवर यहाँ हर वक्त मौजूद रहते थे, मगर अल्लाह के वलियों के बारगाह पे अल्लाह ताला खुद उनके चाहने वालों की हिफाजत फरमाता है। तो चलिए यहाँ पे हाजिरी हम दे चुके हैं, अब यहाँ से हजरत की बारगाह पे जाएंगे ऊपर पहाड़ी पे। दोस्तों ये सरकार पे की बारगाह पे मैं अभी खड़ा हूँ और यहाँ के जो खादिम साहब है ये हजरत के बारे में कुछ मुख्तसर सी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएगी। अस्सलामु अलैकुम, बताइए फरमाइए।
इनका नाम है हजरत अमीर शाह, मगर इनके नाम के वजह से जैसे लोग आते थे इनके पास में जी जी तो क्या खटखट लाया रे घर के बोलते थे। अच्छा 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 हाँ, तो उनका नाम खटखट शाह ही रख दिए। वो लकब लग गया है, लकब लग गया माशाल्लाह। और कुछ यहाँ के बहुत पुराने इतिहास है यहाँ की कोई करामात? बहुत पुराना है इतिहास, मगर वो अच्छा। मेरे अब्बा ही जानते थे, मेरे को बताया नहीं उसने। अच्छा हाँ, तो फिर भी कितने साल पुराना ये मज़ार शरीफ है? ये है फिर भी है 200-300 साल, इनको हुआ है 800 साल ऊपर हुआ है, जो हजरत अच्छा ख्वाजा उस्मान बनी उनका चिल्ला शरीफ है वहाँ से। अच्छा, उनको 800 साल हो चुका है और इनका 200-250 साल का इतिहास है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ की जानकारी दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्र गुज़ार हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये थी सरकार की बारगाह हज़रत खटखट शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की। तो मैंने आप तमाम लोगों को दोस्तों यहाँ का नज़ारा, हाजरी और बाजू में जो शाही मस्जिद है वो दिखाई। ये बहुत पुराना शहर है, देखिए हिंदुस्तान का बहुत पुराना शहर है। आप तमाम लोगों से इल्तिजा है कि आप जब भी यहाँ प्रतापगढ़ तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ रोकने के बाद दोस्तों इस बारगाह पे हाजिरी दे और यहाँ पे फूल चादर जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाए और फिर यहाँ से उस तरफ हज़रत ख्वाजा उस्मान गनी जो ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद है इनकी बारगाह पे जाए। तो दोस्तों ये था मेरा सफ़र एक छोटी सी बारगाह का, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दुआओं में याद रखिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।